हम ये इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की जो आपके पास टाइटल है वो है आइसक्रीम पार्लर, ठीक है। यानी एक आइसक्रीम पार्लर है, उसकी वेबसाइट है और उसके ऑनर है, वो इसको बनवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे और देखेंगे कि उस डिस्क्रिप्शन में वो क्या मांग रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मिस्टर ए है, वो एक ऑनर है बिग आइसक्रीम पार्लर शॉप के, ठीक है। वो फेमस है उनकी टेस्ट और क्वालिटी की वजह से, तो उनके कस्टमर जो है ना वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं और उनकी जो ब्रांचेज है वो बढ़ती जा रही हैं। तो उसको वो और पॉपुलराइज करने के लिए उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आप वो क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट बनाएंगे। तो उन्होंने आपको एज अ डेवलपर हायर किया है कि आप जो है वो उनकी वेबसाइट बना के दें। ये ऑल्सो वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट हिज रेसिपी टू द रजिस्टर्ड कस्टमर बाय चार्जिंग दी अप्रोप्रिएट फीस। यानी वो अपनी आइसक्रीम की जो भी उनकी आइसक्रीम पार्लर की शॉप है उसकी जो रेसिपी है वो भी वो शेयर करेंगे रजिस्टर्ड कस्टमर के साथ, पर उसके लिए उनसे वो क्या लेंगे, फी लेंगे। दोज कस्टमर हु हैड रजिस्टर्ड इन द वेबसाइट आर एबल टू सी द इंटायर रेसिपी। यानी आप देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि वो कस्टमर जो रजिस्टर हैं वेबसाइट में वो सारी जो है ना इंटायर रेसिपी को देख सकते हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो क्या करेंगे, विल हैव फॉलोइंग लिंक एक्सेस बट द रेसिपी ऑफ द डेजर्ट विल नॉट बी एक्टिवेटेड। तो यानी उनके पास भी वो पेज आ रहा होगा बट वो अनेबल टू जो है ना, उनके पास एरर आ रहा होगा कि आप देख नहीं सकते इसको। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये भी बोला जा रहा है कि जो भी कस्टमर साइन अप नहीं करे हुए होंगे उनके पास भी वो पेज आ रहा होगा बट वो उनके पास रेसिपी एक्टिवेटेड नहीं होगी। ही हैज़ ऑल्सो रिटन वेरियस रेसिपी बुक्स फॉर द डेजर्ट एंड आइसक्रीम एंड नाउ ही विशेज टू सेल इज बुक थ्रू ऑनलाइन। यानी अपनी वो वेबसाइट से और क्या सेल करना चाह रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट से अपनी बुक्स और रेसिपीज़ की जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं डिफरेंट, वो भी सेल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन ये चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं ही ऑल्सो वॉन्ट द यूज़र टू प्रोवाइड देयर ओन न्यू रेसिपी, इफ़ इट इज़ सिलेक्टेड देन द यूज़र विल गेट द प्राइज मनी डिसाइडेड बाय द एडमिन एज वेल एज द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द शॉप। यानी वो क्या चाह रहा है, वो ये भी चाह रहा है कि यूज़र जो है वो अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करें वहाँ पर, वो कोई कॉन्टेस्ट वगैरह जो है लॉन्च करेंगे और उसके अंदर पे वो डिसाइड करेंगे और उनको जो है पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कि आपको होम पेज बनाना है और होम पेज के अंदर क्या होने चाहिए, होम लॉगिन, फ्री रेसिपी अवेलेबल, कॉन्टेक्ट अस फीडबैक, एडिंग रेसिपी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का पेज होना चाहिए, ऑर्डर द बुक्स ऑफ द रेसिपी, उसके लिए आपके पास जो है फॉर रजिस्टर पेज, द कस्टमर कैन रजिस्टर विद द साइट प्रोवाइडेड ही शी मेक्स दी पेमेंट, द पेमेंट फॉर द मेम्बर्स आर मंथली $15 एंड ईयरली आपके पास कितनी है $150। वंस द यूजर गेट रजिस्टर ही मस्ट बी अलाउड टू लॉग इन विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड। बुक्स कैन बी ऑर्डर्ड बाय बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड यूजर, दे आर सपोज टू प्रोवाइड द ऑथेंटिक डिटेल एंड मस्ट पे द चार्ज ऑफ द बुक ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब वो क्रेडिट कार्ड से करें या आपको जो डिफरेंट ऑप्शन रखने हैं वो आपको यहाँ पर रखने हैं। उसके बाद फीडबैक फॉर्म, एक आपको फीडबैक फॉर्म बनाना है, एक आपको ऑनलाइन ऑर्डर का पेज बनाना है जिसके अंदर उन्होंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है यूज़र से लेकर। अब यहाँ पर अबाउट अस के पेज के अंदर बताया है कि आप डिस्क्राइब कर देंगे अबाउट दी आइसक्रीम पार्लर, कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर आपकी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स वगैरह आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि रजिस्टर्ड यूज़र जो है, ठीक है, द फॉर द रजिस्टर्ड यूज़र दिस लिंक विल बी अनेबल विथ ऑल द प्रीवियस फंक्शन मेंशन। तो एक तो ये कि जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जो लॉगिन कर लेंगे उनके पास ये भी ऑप्शन आ जाएंगे, लिंक्स लाइक मोस्ट फ्लेवर्स अवेलेबल फॉर द रजिस्टर्ड यूज़र, फॉर द इंटायर लिस्ट मेंशन बिलो द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मस्ट बी एडेड बाय द एडमिन थ्रू द एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पर एक एडमिन पैनल बनेगा जो कि एडमिन कंट्रोल कर रहा होगा, और एडमिन कौन होगा, आपकी वेबसाइट का ऑनर जो है, यानी आप अपनी वेबसाइट के ऑनर को एक पैनल बना के देंगे जहाँ से वो रेसिपीज़ वगैरह को बाद में ऐड करवाएगा और यहाँ पर उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करवाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एडमिन विल हैव इट्स ऑन लॉगिन पेज वेयर द फॉलोइंग फंक्शन विल बी टेकिंग केयर ऑफ, डिटेल्स ऑफ द रेसिपी, चेकिंग द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड यूजर एंड देयर पेमेंट डिटेल्स,
checking the list of the books being ordered and the updating status, like if the book is sent, then he order process once reached the status will be completed. Checking the feedbacks entered by the user, checking the details of the new recipe. ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ये आपका एडमिन परफॉर्म करेगा. सो ये पूरी आपको कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस प्रोजेक्ट के हवाले से. तो अब आप इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच करेंगे? इस प्रोजेक्ट को अप्रोच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये आइसक्रीम की वेबसाइट है, आइसक्रीम पार्लर की है, तो आपको इसके लिए एक क्या चाहिए होगा? आपको एक टेम्पलेट चाहिए. या तो आप खुद डिजाइन करें या तो आप टेम्पलेट फाइंड करें. तो आप लिख लें आइसक्रीम पार्लर और उसके बाद बूटस्ट्रैप. ये हमारे सब पास यहाँ से डाउनलोड हो गया है और इसको आकर मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसके अंदर हम चेंजेस कर देंगे. इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और एक्सट्रैक्ट करके पहले हम इसको जो है ना देखते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे काम का भी है या नहीं. तो यहाँ पे हमारे पास सारी फाइल्स आ गई. इसका इंडेक्स पेज ओपन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का टेम्पलेट का डिज़ाइन आ रहा है इसके अंदर. और ये यहाँ पर आप देख सकते हो. और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अबाउट पे, तो ये अलग अलग पेजेस में बना हुआ है. इसमें कॉन्टेक्ट अस का भी पेज आ रहा है, होम भी आ रहा है. अब यहाँ पर हम जो है उसका लोगो वगैरह लगा देंगे. और इसको अब हमें टेम्पलेट को किस में ब्रेक करना है? इस टेम्पलेट को हमें ब्रेक करना है हमारे एएसपी के वेब फॉर्म के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारे फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए होंगे. तो हम यहाँ से चलते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और प्रोजेक्ट हमारे पास होगा वेब फॉर्म का. तो हम यहाँ पे ASP.NET और इसको हम यहाँ पर दे देते हैं आइसक्रीम के नाम से. तो ये हमने आइसक्रीम के नाम से बना दिया है, एम्प्टी है वेब फॉर्म, ठीक है. और उसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से ओके. सो अब इसके अंदर हमें वो फोल्डर चाहिए. तो मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को. ये हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया. और ये जो हमारे तीन फोल्डर आ रहे हैं जिसके अंदर हमारी CSS फॉन्ट और इमेजेस की फ़ाइल मौजूद हैं, इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारा ASP का प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे. तो उसके अंदर मैंने इनको पेस्ट कर दिया. और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में अगेन आएंगे और यहाँ से हम करेंगे शो ऑल फाइल्स. यहाँ पे शो ऑल फाइल्स करके CSS का फोल्डर, फॉन्ट का फोल्डर, इमेजेस का और JS का फोल्डर, इसको राइट क्लिक करके इंक्लूड इन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी बूटस्ट्रैप और सारी फाइल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारा टेम्पलेट है, अगर इसके इंडेक्स पेज को हम ओपन करते हैं तो इसमें जो आपके पास नेम बार है वो सेम है. और इसका फुटर भी अगर हम देखें सब जगह, अगर प्रोडक्ट्स के पेज पे जाएं तो यहाँ पर ये इसका फुटर भी सेम है. फुटर में नीचे ये आपके पास डिटेल आ रही है. तो इसका फुटर और इसका जो आपके पास फ्रंट पेज है यानी नेम बार है वो सेम है. तो हमें क्या चाहिए? हमें इसको कन्वर्ट करना है मास्टर पेज के अंदर. तो मास्टर पेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और हम एक वेब फॉर्म मास्टर पेज ले लेंगे. इसको हमने दे दिया लेआउट, पेज को नाम दे दिया लेआउट. और इसके बाद हम यहाँ पे ये जो इंडेक्स का पेज है इसको ड्रैग करके, ये ड्रैग करके ओपन नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा. तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से ड्रैग करवा देता हूँ. इसको ड्रैग करके हमने यहाँ पे ओपन कर लिया. और ओपन करने के बाद अब इसमें से जो जो चीज़ें हमें उस पेज के ऊपर रिक्वायर्ड है वो हम कॉपी कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटा टैग्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे. बूटस्ट्रैप हमें ऐड करवानी है तो सारी जो लिंक्स वगैरह हैं इनको हम कॉपी करेंगे. कॉपी करके हम अपने लेआउट डॉट मास्टर पेज के अंदर पेस्ट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये काम किया. उसके बाद हम इंडेक्स पेज के नीचे चले जाएंगे और लास्ट में जितनी भी CSS jQuery वगैरह स्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह ऐड हुई हुई हैं उन सबको भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी. और ये हम अपने लेआउट के लास्ट पार्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे.
तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने जो लिंक्स वगैरह सीएसएस और स्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो ऐड करवाई हैं हमारे मास्टर पेज के अंदर। इसके बाद हमारा जो फ्रंट पेज था उसके अंदर नेव बार थी, तो हम यहाँ से देखेंगे कि भाई हमारा हेडर सेक्शन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ तक ये हमें जो है ना नेव बार सब पेजेस पे सेम रखनी है। तो यहाँ तक हम कॉपी रखेंगे, इसको इतने पार्ट को कॉपी करेंगे और ये हम एएसपी कंटेन प्लेस होल्डर से ऊपर यहाँ पर आकर हम इसको पास कर देंगे। हमारे पास वेब फॉर्म के अंदर एक ही फॉर्म हो सकता है, तो इस वजह से हम यहाँ से ये वाला फॉर्म जो है और सर्च बार है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे नेव बार से। उसके बाद हमें पता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना फुटर भी है, तो मैंने यहाँ से नीचे जाना है और जहाँ से मेरे पास से फुटर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि फुटर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फुटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से फुटर को कॉपी करूँगा और ये फुटर मैंने यहाँ से किया कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके ये जो हमारा फॉर्म ख़त्म हो रहा है, फॉर्म से पहले कंटेन प्लेस होल्डर के बाद यहाँ पर आके मैंने इसको सेव कर दिया। अब इतना काम करने के बाद हमने क्या चेक करना है, हमें एक अपना मेन पेज क्रिएट करना है जो कि हमारे मास्टर पेज को यूज़ करेगा और उस पर हम ये चेक कर लेंगे कि क्या वाकई हमारा मेन पेज सही काम कर रहा है या नहीं, जो हमने लेआउट ऐड करवाई है वो काम कर रही है या सही नहीं। तो हमने यहाँ से कह दिया कि ये मास्टर पेज को यूज़ करेगा, इसको हमने सेव किया और यहाँ से जाके हम अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन और यहाँ से जाके आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पर नेव बार बिल्कुल ओके आ रही है और ये आपके पास फुटर भी यहाँ पर आ रहा है। अब क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड लगी हुई है, ठीक है, तो ये हीरो आपके पास स्लाइडर कहलाता है कि पीछे आपके बैकएंड पे ये आ जाएगा और जैसे जैसे आप डेटा एंटर करते जाएंगे ये आपका फुटर जो है ना मूव करता चला जाएगा। तो हम अपना नेप हमारा जो फर्स्ट पेज है उसको कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और इसी इंडेक्स पेज के अंदर जहाँ से हम डेटा ले रहे थे, अब हमें पूरा कंप्लीट पेज ऐसे ही दिखाना है तो हम अपने फ्रंट पेज को यहाँ से इसी तरीके से कॉपी कर लेंगे। तो हम ये जो यहाँ तक हमने हेडर तक पहले कॉपी किया था, अब हेडर वाले पार्ट को छोड़ के उसके बाद जितना भी पार्ट आ रहा है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और फुटर से पहले पहले तक का जितना भी हमारा कोड है उसको हम कॉपी करके हम अपने इंडेक्स पेज के ऊपर लगा देंगे। यहाँ तक इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम अपने इंडेक्स पेज के ऊपर आए और यहाँ पे कंटेन प्लेस होल्डर में सेकंड के अंदर यहाँ पर आके हमने इसको सेव करवा दिया। तो अब अगर हम अपना जो है ना फ्रंट पेज रन करेंगे तो हमारा फ्रंट पेज कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमारा फ्रंट पेज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लोड हो गया है जैसे हमने बनाया था। अब इसके अंदर अबाउट के पेज हैं और ये सारे पेजेस हमें कैसे बनाने पड़ेंगे वो हमें वहीं से लेकर यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो देखो इसमें ही अबाउट अस का भी ऑप्शन दे रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, अलग अलग पेज पे देना चाहो तो वो भी कर सकते हो और इसी वेबसाइट को आप सिंगल पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक तो ये काम हो गया कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर आते हैं लेआउट के अंदर और लेआउट के अंदर सबसे पहली चीज़ एक काम जो हमें करना है, हमें लिंक्स को अपडेट करना है और यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया तो हम ये नाम दे देते हैं और index.html की जगह index.aspx के पेज को यहाँ पे लोड करवाएंगे। ये होम पर भी हमारी जो लिंक आएगी वो index.aspx की आएगी। इसी तरीके से अबाउट का पेज भी हम बनाएंगे aspx, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो aspx आ जाएगा और कॉन्टेक्ट के पेज के ऊपर भी हमारा aspx आ जाएगा। ये हमने लिंक्स भी अपडेट कर दिए। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई इसने यहाँ पर जो है ना लिंक दी हुई है कि यहाँ से हमने ये कॉपी किया है तो हम इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं इस लिंक को और यहाँ पर हम दे देते हैं ऑल राइट रिजर्व बाय, मैं अपना नाम यहाँ पर दे देता हूँ और ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर आके क्या कॉल कर लेता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ कर लूँगा और डॉट ईयर, तो जब भी जो भी ईयर चल रहा होगा वही कॉपीराइट के बाद वही लिखा हुआ आ रहा होगा। चलें अब यहाँ पर आते हैं फ्रंट पेज के अंदर क्या चेंजेस करने हैं। फ्रंट पेज के ऊपर हमारे पास शायद इमेज नहीं आ रही थी, तो वो इमेज क्यों नहीं आ रही उसको भी चेक कर लेते हैं।
अगर हम यहाँ पर जो हमने HTML से बनाया था, HTML से जो कॉपी किया था, तो एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये वाला इंडेक्स जो है वो हमारा इंडेक्स वाला है, इसमें ये पिक्चर आ रही है, सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। अगर हम ASP वाला कंटेनर लोड करवाते हैं, जो ASP से हमने लोड किया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, यानी एग्जैक्टली ऐसे नहीं चल रहा है जैसे यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास डिफ में कोई प्रॉब्लम आया है लेआउट के अंदर, इसको हम देखते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो जब भी आप कोई लेआउट बना रहे हो ना, तो उस लेआउट के अंदर ये देखने की जरूरत लाजमी है कि देखो ये डिव स्टार्ट हुआ है, बट ये वाला डिव खत्म नहीं हुआ, ये वाला डिव मेन डिव है, इसको क्या नाम दिया है, हीरो एरिया। आप ये देखो कि ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये डिव आपका कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये डिव आपका क्लोज हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन से पहले, कहाँ पे खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट के सेक्शन से पहले। तो यानी आपके पास जो आपने यहाँ से कॉपी किया होगा ये वाला पार्ट, आपने तो यहाँ तक कॉपी किया हुआ है, हेडर के अंदर तो यही कॉपी है ना, आपका जो लेआउट मास्टर है उसके अंदर आपका कोड कहाँ तक कॉपी किया हुआ है, आपने यहाँ तक कॉपी किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर वो जो आपका डिव है, कौन सा वाला, कौन जो आपका यहाँ पर हीरो वाला डिव है, वो कहाँ पे क्लोज होगा, तो वो कहाँ पे क्लोज होना चाहिए वो आप देखें। अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ आपको, देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, जैसे कि ये देखो ये डिव खत्म कर दिया, ये अपनी जगह है, ये हेडर सेक्शन बंद हो गया, ठीक है, ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिव कहाँ पे बंद हो रहा है, ये हो रहा है प्रोडक्ट सेक्शन से पहले, कहाँ पे बंद हो रहा है, प्रोडक्ट सेक्शन से पहले। अब इंडेक्स डॉट ASPX के अंदर आए, तो यहाँ पर हमने कोड कहाँ से कॉपी किया है, हमने यहाँ पे स्लाइडर सेक्शन से ओपन किया है, और यहाँ पर आके आप देखो तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट वाला सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक डिव मिसिंग है, यहाँ पर ये डिव का इशू आ रहा है, क्यों, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास इसकी स्टार्टिंग नहीं है और इसकी एंडिंग नहीं आ रही। अब अगर हम यहाँ पर जाएं, ये हमारा ASP का पेज है ना, तो अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स पे जाऊं, तो ये मेरा हीरो स्लाइडर तो ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आके मेरा हेडर बंद हो गया, यहाँ पर ये एक डिव स्टार्ट हो गया। अब ये डिव हमारे पास यहाँ पे फालतू डिव आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पर नहीं आना चाहिए, एक ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा फिर हमने कहा भाई ये डिफ तो नहीं आ रहा, अब यहाँ पर हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ है, सेक्शन स्टार्ट हुआ, ये सेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन बंद हुआ है और यहाँ पर देखो ये डिफ बंद हुआ है। अगर ये डिफ सही से बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो रिजल्ट सही आना चाहिए, तो हम इसको एक बार फिर से लोड करवाते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास सही आ रहा है या नहीं। देखो अब हो गया सेट, तो वो एक डिव ने देखो कितनी प्रॉब्लम की हुई थी, एक डिव मैंने वहां से सेट किया तो उस डिव ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो गए सही से, और ये आपके पास हीरो स्लाइडर सही से आ गया। अब यहाँ पे हमने इसका नाम पाक आइसक्रीम कर दिया था, तो ये पाक आइसक्रीम आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे होम पेज आ गया, अबाउट आ गया, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस पेज आ गया। अभी इतना करते हैं कि पहले इसका पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी डेटाबेस की तरफ चलते हैं, इसमें डेटाबेस कैसे बनेगी और डेटाबेस के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये तो हमारा इसका हो गया फ्रंट पेज, फ्रंट पेज के बाद हमारे पास इसमें दूसरा पेज कौन सा था, अबाउट का और कॉन्टेक्ट का, बट हमें साथ के साथ यहाँ पर यूज़र की रिक्वायरमेंट भी देखनी है कि उसने हमें कौन कौन से पेजेस बोले हैं। उसने हमें बोला है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर एक तो होम पेज होगा, होम पेज के बाद आपका फीडबैक होगा, ऑनलाइन ऑर्डर होगा, कॉन्टेक्ट अस होगा और आपके पास अबाउट अस होगा। तो फिलहाल पहले हम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस को कंप्लीट करते हैं,
तो यहाँ पर आके मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर आके मैंने कह दिया वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज और इसको मैंने नाम दे दिया अबाउट। अब ये हमारा जो अबाउट का पेज है इसके अंदर भी हम इसको ओपन करेंगे और ये यहाँ पर हमने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद ये मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से हमें कौन सा कोड कॉपी करना है इसको अंडरस्टैंड करना है। ये हमारा अबाउट का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अबाउट का सेक्शन हम पूरा लेंगे यहाँ से और ये हम किस पे पेस्ट कर देंगे, ये हम जाके यहाँ से कॉपी करके अबाउट के यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो अबाउट का पेज है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा अबाउट का पेज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है और यहाँ पे जाके मैं अब होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम की लिंक भी काम कर रही है और हमारे पास अबाउट का पेज भी जो जैसे काम करना चाहिए वैसे ही काम कर रहा है। इसके बाद अगला पेज जो हमें डिज़ाइन करना है वो कौन सा है। अगला पेज हमारे पास है यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कह दिया दिस इज़ ए कॉन्टेक्ट पेज। अब यहाँ से हमने कॉन्टेक्ट पेज को ड्रैग किया और यहाँ से कॉन्टेक्ट के पेज से हम देखेंगे कि हमें क्या कोड चाहिए। अब यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पर आकर मैंने देखा भाई नेम पर सेम है, यहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम पूरा कॉपी करेंगे और ये इन्फो सेक्शन अगर सेम है हर पेज के अंदर तो इसको सेम पेज पे दे देंगे, वरना हम इसको जो है ना हर पेज पे अलग अलग कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं कॉन्टेंट प्लेस होल्डर के अंदर ये कोड दे देते हैं और सेव करके चलाते हैं इसको। तो अब हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज भी लोड हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट का पेज भी बन गया और ये हमारे पास होम पेज भी काम कर रहा है, अबाउट पेज भी हमारा काम कर रहा है और ये रह गया हमारा प्रोडक्ट्स का पेज, इसको अभी हम डिज़ाइन करेंगे। बट हमें यहाँ पर लिंक्स के अंदर प्रोडक्ट्स की जगह कौन सा पेज चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए फीडबैक फॉर्म और दूसरा चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर। तो फीडबैक फॉर्म के लिए हम यहाँ पे लेआउट मास्टर में आएंगे और यहाँ पर आके हम लिंक्स में प्रोडक्ट्स की जगह दे देंगे। देखिए अब ये दो चीज़ें हो सकती है कि इतने फीडबैक फॉर्म भी दिया और कॉन्टेक्ट अस भी दिया है, तो फीडबैक फॉर्म जो है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस होंगी। कॉन्टेक्ट अस में ये होता है कि आप हमें अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और फीडबैक फॉर्म में आप फीडबैक दे रहे हैं कि आपको वेबसाइट के हवाले से भी फीडबैक हो सकता है, प्रोडक्ट्स के हवाले से भी फीडबैक हो सकता है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं फीडबैक, ठीक है, और यहाँ पर इस पेज को नाम भी हम दे देंगे फीडबैक, इसको हम फीडबैक कर देते हैं। अब फीडबैक के अंदर हम क्योंकि लेआउट प्रॉपर रखना चाहते हैं क्योंकि हर पेज को वही लेआउट फॉलो करे, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक और काम ये करेंगे कि जो हमारा फीडबैक का फॉर्म होगा ना वो सेम कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होगा, बट उसके अंदर हम क्या चेंजेस कर देंगे, उसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स या जो भी फील्ड्स वगैरह है वो बढ़ा देंगे या उनको चेंज कर देंगे ताकि हमारी जो लेआउट रहेगी वो सेम रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखो तो ऑनलाइन ऑर्डर है, तो ऑनलाइन ऑर्डर अभी जब हम ऑर्डर की तरफ चलेंगे तो फिर हम इसमें ऑनलाइन ऑर्डर का फॉर्म भी बनाएंगे और यहाँ पर इसके बाद ये रजिस्टर्ड यूजर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर इसको देखो तो हमने इसका फ्रंट एंड का पार्ट जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है कि फ्रंट एंड आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। अब आ जाते हैं कि भाई इसके अंदर डेटाबेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो मैं यहाँ से एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ, या मैंने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आते हैं न्यू के ऊपर, न्यू क्यूरी के ऊपर। तो यहाँ पर हमें डेटाबेस बनानी है, बट डेटाबेस के अंदर हमें कौन कौन से जो है ना यहाँ पे एंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास हैं कस्टमर्स, ठीक है, एक तो हमारे पास हैं कस्टमर्स, ठीक है, जो कि आपके पास ऑर्डर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेबल होगी ऑर्डर्स की जिसके अंदर हमारे ऑर्डर्स होंगे, एक हमारे पास टेबल होगी रेसिपीज की, ठीक है। और अब यहाँ पर रेसिपीज क्योंकि यूजर्स भी रेसिपी अपनी शेयर करेंगे और जो आपका ऑनर है उसकी अपनी भी रेसिपीज हैं,
तो यहाँ पर आपको दो टेबल बनाने पड़ेंगे, एक यूजर रेसिपीज का और एक किसका बनाना पड़ेगा, एक आपको जो है यहाँ पर खाली रेसिपीज का बनाना पड़ेगा। तो ये तो आपके हो गए। उसके बाद आपने कह दिया भाई बुक्स, एक बुक्स का आपने बनाना है, क्योंकि बुक्स उसने कहा कि हम बुक्स भी सेल करेंगे, तो यहाँ पे बुक्स की आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है, उसकी क्या प्राइस है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। एक हमारा टेबल होगा यूजर्स का, जो कि डील करेगा किसके साथ, वो डील करेगा यहाँ पर ये हमारे पास जो हमारा यूज़र है एडमिन पैनल जो यूज़ करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे यूज़र्स के टेबल के अंदर होने वाली है। अब आते हैं कि भाई हमारे इस टेबल के अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे, क्योंकि उसने कहा कि भाई वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह या वो रेसिपीज़ वगैरह ऑफ़र कर रहा है उसके अंदर उसके पास जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं, वो डेजर्ट्स भी देता है और वो आइसक्रीम भी सेल करता है। अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ही हैज़ ऑल्सो रिटन वेरियस बुक्स फॉर डेजर्ट्स एंड आइसक्रीम, ठीक है, और वो करना क्या चाहता है, ठीक है, ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसकी पब्लिसिटी हो, और यहाँ पर वो सेल क्या करना चाह रहा है, वो अपनी रेसिपीज़ को, वो अपना जो है ना आइसक्रीम वगैरह सेल नहीं कर रहा, वो बेसिकली अपनी रेसिपी सेल करना चाह रहा है और साथ के साथ अपनी बुक्स वगैरह जो है उसको सेल करना चाह रहा है, उसके लिए वो वेबसाइट बना रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखो तो उसने यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि ये आपके पास क्या है, फॉर द एंटायर लिस्ट लिंक्स, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इमेज मस्ट बी एडिड फॉर ईच फ्लेवर, इट मस्ट इंक्लूड डिटेल लाइक इंग्रीडियंट्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड। यानी अगर आप वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी लिख रहे हैं तो उसमें उसकी पिक्चर्स भी होनी चाहिए, ठीक है, पिक्चर भी हो, इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन भी हो, इसके अलावा उसका पूरा प्रोसीजर हो कि उसके प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें आप ऐड करने वाले। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, किसी भी एक रेसिपी की है, यानी तो ये सारी क्या होंगी, वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी है वो अलग है, चॉकलेट की आइसक्रीम की रेसिपी अलग, चॉकलेट चिप की अलग, स्ट्रॉबेरी की अलग। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पर मेंशन कर दी है कि आप ये लाजमी रख लेना, और क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें कौन करेगा, ये एडमिन करेगा, तो एडमिन रजिस्टर यूज़र को भी देखेगा, पेमेंट डिटेल्स को भी देखेगा और ये सारी चीज़ें देखेगा। अब यहाँ पर क्योंकि कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स के साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये कि ऑर्डर्स तो अलग है, ऑर्डर के साथ उनकी सब्सक्रिप्शन भी है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आके सब्सक्राइब करेगा उसी के पास क्या होगा, या तो उसने मंथली सब्सक्रिप्शन ली होगी या फिर उसने क्या ली होगी, ईयरली ली होगी। अगर उसने पेमेंट की होगी तो उसके पास क्या हो रही होगी, एक्टिवेटेड आपके पास आ रही होगी और वो रेसिपीज को देख सकेगा, वरना रेसिपीज उसके पास नज़र नहीं आएंगी। तो चले हम यहाँ पर आते हैं और डेटाबेस बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस को हम दे देते हैं नाम पार्क आइसक्रीम। तो इस नाम से मैंने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर ली, और उसके बाद हम यूज़ करके और इसको यूज़ करते हैं और इसके अंदर टेबल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चल सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट टेबल, और सबसे पहला जो टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे यूज़र्स का बनाएंगे, और यूज़र्स के टेबल के अंदर हम यूज़र आईडी रखेंगे इंटीजर प्राइमरी की, और इसको हम कर देंगे आइडेंटिटी। इसके बाद हमने कहा भाई यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कराना चाह रहे हैं, तो मैंने ईमेल रख लिया, ईमेल को मैंने कह दिया दैट विल बी वारचार 50, और इसके साथ मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया नॉट नल, और साथ में मैंने लगा दिया यूनिक। यूनिक इसलिए लगा दिया कि एक से ज़्यादा ईमेल आपके पास सेम नाम की ना आ सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया पासवर्ड, पासवर्ड हमने कहा वारचार डेट विल बी 100, और 100 के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया नॉट नल, और यहाँ पर आके ये मैंने पहला टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। मेरे पास यहाँ पर ये दे रहा है कीवर्ड है, तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। चले टेबल बन गया हमारा यूज़र्स का। यूज़र्स के बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, रेसिपीज, क्या है, रेसिपीज। तो हम यहाँ पर आएंगे भाई, एक और टेबल हमारा होगा रेसिपीज़ का।
तो रेसिपीज के टेबल के अंदर अब हमें देखना है कि भाई रेसिपीज की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। मैं इसको रेसिपी कर देता हूँ। तो रेसिपी में हमारे पास रेसिपी की कोई ना कोई आइडिया होगी, डेट विल बी इंटीजर प्राइमरी की, और इसके साथ भी हमने यूज कर लिया आइडेंटिटी। इसके बाद भाई रेसिपी का नेम भी होगा, तो हमने इसको आर ई अंडरस्कोर नेम रख लें या आर नेम के नाम से रख लें ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। वारचार इसको मैंने कहा भाई ये रेसिपी का हमारा नेम होगा, नॉट नल, और इसको भी हम कर देते हैं यूनिक, ताकि हर रेसिपी जो है वो यूनिक उसका टाइटल होगा। इसके बाद हमने कहा भाई, उसने कहा था कि रेसिपी का नेम भी होगा, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी बताने कि रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, इसके अलावा रेसिपी का पूरा प्रोसीजर भी बताना है। तो हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के लिए एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, और इसको हम देंगे टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट क्यों दिया है, ये टेक्स्ट देने की वजह ये है क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास डेटा आएगी वो बहुत सारी आएगी, इनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप मेंशन करेंगे, तो इसमें हमने टेक्स्ट यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रोसीजर, कि हम उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के लिए हम यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लाइक दिस, कि हमने कहा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मैंने कहा टेक्स्ट दैट विल बी नॉट नल। अब ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी होगा, डिस्क्रिप्शन के बाद अब आप क्या इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हो यहाँ पर, उसने कहा कि भाई आपको ये भी बताना है कि उसकी पिक्चर्स वगैरह भी लगानी है, तो यहाँ पर आप उसकी पिक्चर यूज़ कर लो। तो आपने पिक्चर दे दिया या उसको इमेज नाम दे दिया, जो भी आप देना चाहो आर इमेज दे दो, और यहाँ पर आके आप यूज़ कर लो वारचार मैक्स यूज़ कर लो। तो ये आपके पास हो गया कि भाई आपने उसको पिक्चर भी देनी है नॉट नल, और उसके अलावा आपने कहा भाई पिक्चर भी देनी है, इसके अलावा आपको रेसिपी की टाइप भी बतानी है, क्योंकि रेसिपी की टाइप यानी ये जो आपके पास रेसिपी है इसकी टाइप क्या है, ये आपके डेजर्ट की रेसिपी है या फिर ये आपकी जो है वो आइसक्रीम की रेसिपी है। तो इसके लिए अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम इसको एक ही टेबल में बनाएंगे तो हो सकता है आगे चल के ये बोले कि भाई मेरे पास डेजर्ट भी है और जो है आइसक्रीम भी है, इसके अलावा जो है मैं और बहुत सारे ऑप्शंस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कल को फिर क्या होगा, यहाँ पे टाइप में प्रॉब्लम आएगी। तो हम एक ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सेपरेट टेबल बनाएं रेसिपी टाइप का, जिसके अंदर हम सिर्फ रेसिपी की टाइप्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने कहा इंटीजर, इसको कह दिया प्राइमरी की, और यहाँ पर आके सिर्फ हमने टाइप स्टोर कर ली रेसिपी टाइप, और इसको मैंने कह दिया यहाँ पर वारचार 50। तो एक टेबल हमारा ये बन जाएगा जिसके अंदर सिर्फ रेसिपीज की टाइप आ रही होंगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम आर आईडी को कॉल करेंगे, रेसिपी टाइप आईडी को, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, फॉरेन की हो जाएगी, और हम इसको कह देंगे दैट विल बी रेफरेंसेस। कौन से टेबल को ये रेफर करेगी, ये टाइप वाला जो अभी हमने बनाया है रेसिपी टाइप का टेबल बनाया है, इसको यहाँ पर आकर रेफर करेगी, और इसमें से आप यूज़ करोगे आईडी को एज अ फॉरेन। तो अब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रखनी है। तो आपके पास तीन टेबल बन गए, एक यूज़र की बन गए, एक रेसिपी, एक आपके पास रेसिपी टाइप का और एक रेसिपी, ये बन गए। इसी तरीके से आपको पता है कि आपने कहा था कि यहाँ पे यूज़र रेसिपीज़ भी होंगी, तो आपने एक सेम टेबल क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर आपने यूज़ कर लिया यूज़र रेसिपी। क्या यूज कर लिया, यूजर रेसिपी। तो अब ये वाला टेबल क्या है, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन है, बट इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, यूजर रेसिपी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट यहाँ पर क्योंकि आपने कहा था कि भाई ये वाली जो रेसिपी है इसकी इंफॉर्मेशन पहले एडमिन के पास जाएगी और एडमिन अप्रूवल देगा तो ये शो होगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो रेसिपी तो डाल दे अपनी मर्जी से, ख़राब रेसिपी डाल दे, और अगर हमने अलाउ किया हुआ होगा तो हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाएगी वो। तो हम चाहते हैं नहीं, बिफोर जब तक हमारा यूज़र जो है ना उसको अलाउ नहीं करता तब तक जो है ना वो हमारे पास स्टोर ना हो। अब इसके लिए आप बनाएंगे एक फील्ड जिसको कहेंगे स्टेटस, क्या कर देंगे, स्टेटस, आर स्टेटस कर दें, ठीक है, और इसमें आप बता दें भाई रेसिपी स्टेटस। अब यहाँ पर आप दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ होती है बिट, बिट डेटा टाइप क्या होती है, इसमें दो वैल्यूज आती हैं जीरो या वन, या फिर आप इसको इंटीजर से भी कर सकते हैं कि भाई जीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि इनएक्टिव है, और अगर आपके पास
जो है ना वन हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है आप इसको इंटीजर से सॉल्व करना चाहो प्रॉब्लम को, या फिर आप इसको जो है वो बिट के थ्रू करना चाहो। और आप यहाँ पर आके जैसे आपने कहा भाई मैं इसको स्मॉल इंट से कर रहा हूँ, स्मॉल इंट डेटा टाइप है मेरे पास और मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी 0। क्या सेट कर दी? डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसकी 0 सेट कर दी। तो इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 जब दिया हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास इसका स्टेटस क्या होगा, इसका स्टेटस जो है ना इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो यहां तक क्लियर है? सही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल्स बन गए। अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पे हमने और यूजर्स का टेबल बना लिया, ठीक है, हमने यूजर रेसिपीज का बना लिया और रेसिपी का बना लिया। उसके बाद हमारे पास बुक्स है, ठीक है। तो अब बुक का टेबल अगर हमें बनाना है तो वो भी सिमिलरली इसी तरीके से बनेगा। आपके लिए टेबल, ठीक है, उसका नाम देते हैं बुक। अब बुक के अंदर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन रख रहे हैं कि बुक की आईडी होगी इंटीजर, आपने कर दिया प्राइमरी की, इसको आइडेंटिटी दे दिया। इसके साथ आपने कहा कि भाई बुक का कोई ना कोई नेम होगा, तो आपने यहाँ पर आके बुक नेम वारचार और उसको नॉट नल कर दिया, और उसके साथ इस पे भी यूनिक लगा दिया। और इसके साथ आपने कहा कि बुक की डिस्क्रिप्शन, के बुक के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन दे दें कि वो बुक किस हवाले से है, तो बुक की डिस्क्रिप्शन दे दी, वो हमने टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर ली और उसको मैंने यहाँ से कर दिया नॉट नल। इसके अलावा बुक की प्राइस, क्योंकि वो सेल करेगा तो हमने उसकी प्राइस भी स्टोर करनी है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर यूज कर सकते हैं या फिर हम डेसिमल यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हो सकता है कि पॉइंट्स में वैल्यू हो, तो इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पर क्या यूज करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज कर लिया और उसके बाद ये हमारी बुक की टेबल भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखो डेटाबेस हम साथ के साथ बनाते जा रहे हैं कि ये डेटाबेस बन चुकी है। इसके अंदर यूजर रेसिपी टाइप, रेसिपी यूजर रेसिपी बुक्स, और उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टेबल आएगा डेट विल बी कस्टमर टेबल, क्योंकि हमारी वेबसाइट में जो इंटरेक्शन करेगा वो कौन करेगा, कस्टमर करेगा। तो अब हमें कस्टमर का टेबल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट टेबल और मैं कहता हूँ टेबल कस्टमर्स, और कस्टमर्स के बाद मैंने यहाँ पर आके बोला भाई आईडी इंटीजर डेट विल बी नॉट नल, एंड आइडेंटिटी लगा देते हैं उसके साथ, और नॉट नल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे प्राइमरी की दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली नॉट नल लग जाएगा। उसके बाद कस्टमर का नेम, तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप कस्टमर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हो। आपने कहा भाई कस्टमर का नेम स्टोर करना है, अब आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग सेपरेट स्टोर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप डॉक्यूमेंट की तरफ जाओगे तो जहाँ पर उसने आपसे ऑर्डर डिटेल्स मांगी है कि भाई जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है, कॉस्ट चाहिए, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब आप यहाँ पर आके इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमें एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर करनी है। तो भाई हमें कस्टमर की ईमेल चाहिए, तो हमने यहाँ पे कह दिया VARCHAR50 और यहाँ पे कस्टमर की ईमेल हमने स्टोर करवा ली, और इसको भी हम कर देते हैं यूनिक। और इसके बाद हमने कहा भाई कस्टमर की ईमेल है, क्योंकि कस्टमर अकाउंट बनाएगा तो कस्टमर का पासवर्ड भी होगा आगे चल के, तो यहाँ पे हमने कर दिया वाचार, और वाचार इसको हम दे देते हैं 100। यहाँ पे मैंने कहा भाई इसका पासवर्ड होगा, इसके अलावा कस्टमर का फोन नंबर होगा तो हम इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर भी हम वाचार में स्टोर करेंगे, इसको हमने कर दिया VARCHAR50 नॉट नल। इसके अलावा एड्रेस, तो हमने यहाँ पे एड्रेस की एक कॉलम बना ली कस्टमर एड्रेस की, जिसमें कस्टमर अपना एड्रेस एंटर करेगा, कस्टमर एड्रेस, और इसको भी मैंने VARCHAR MAX यूज कर लिया है VARCHAR MAX, और यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ डेट विल बी नॉट नल। अब इसके अलावा आपको सोचना है कि और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि यूज़र से हमें लेनी चाहिए, कॉन्टेक्ट भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, ईमेल भी हमने ले लिया, उसका नाम भी पूछ लिया, इसके अलावा आप इससे और अगर कोई डिटेल लेना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेट सपोज आप बोलते हैं कि हम यूज़र को उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे पिक्चर का कॉलम भी ऐड करवा सकते हैं, बट ये अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर है नहीं, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हमारा कस्टमर का टेबल भी बन गया। अब हमें पता है कि भाई जो हमारा कस्टमर है ना
वो कस्टमर सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमारा एक टेबल बनेगा, कौन सा, क्रिएट टेबल, सब्सक्रिप्शन का हमारा टेबल बन जाएगा। तो हमने कहा भाई सब्सक्रिप्शन का टेबल बना दो। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन क्या रखनी है कि भाई सबसे पहले तो भाई आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की आइडेंटिटी बना दिया इसको। इसके अलावा हमें यहाँ पे कस्टमर की आईडी कॉल करनी है, जो कि क्या होगी, फॉरेन की होगी। और इसके बाद यहाँ पर आके एक और चीज जो रखनी है भाई, कस्टमर की आईडी भी हो गई, ये आ गई कि इसकी ये सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन की टाइप क्या है उसकी, सब्सक्रिप्शन की टाइप हमारे पास दो है, या तो मंथली है या तो ईयरली है। तो सब्सक्रिप्शन टाइप आ जाएगी, वो वाचार में स्टोर कर लोगे कि भाई आपके पास उसकी टाइप क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे जब टाइप रखोगे तो उसके बाद आप इसकी डेट ऑफ स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट डेट रखोगे सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। और एक आप रखोगे एंड डेट, ये सब्सक्रिप्शन उसकी एंड कब हो रही है, इसको भी आप डेट में रखोगे, इसको भी आप डेट में रखोगे। अब ये क्यों रख रहे हो आप इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आप इसलिए रख रहे हो कि अगर वो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेता है तो आफ्टर 1 मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर हो जाएगी तो सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो वो आपसी फिर जो है ना उसको अगेन सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा भाई इसने कस्टमर आईडी, सब्सक्रिप्शन टाइप रख ली, उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट रख ली, एंड डेट रख ली। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हो गई, और साथ के साथ अब सब्सक्रिप्शन हो गई, इसको प्राइस वगैरह को हम यहाँ पे नहीं रखते, हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन की भी इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसने कब सब्सक्राइब किया, ठीक है, सब्सक्राइब की टाइप क्या थी और उसकी स्टार्ट और एंड डेट क्या है। तो ये भी हमारा हो गया। पर यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर कस्टमर आईडी को कॉल किया, तो यहाँ पे फॉरेन की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम फिर से फॉरेन की को कॉल कर लेते हैं, फॉरेन की। फॉरेन की के बाद हमारे टेबल का नाम क्या था, कस्टमर, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, कस्टमर्स रखा है तो मैं यहाँ पर कस्टमर्स रखूंगा, और यहाँ पर आके मुझे कॉल किसको करना है, आईडी को। तो फील्ड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, फॉरेन की, कस्टमर रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कस्टमर आईडी, ये सारी चीजें आ गई। चलें अभी वन बाय वन, ये टेबल्स अभी तक हमने बनाए नहीं थे, मतलब हमने सिर्फ लिखे हैं, ठीक है। और इसके में अभी जो एक टेबल रह गया है हमारे पास, वो रह गया ऑर्डर्स का टेबल, जिसमें हमारे ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो ऑर्डर क्योंकि सिर्फ या तो बुक का हो सकता है, या तो किसी रेसिपी, मतलब बुक का ही ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ऑर्डर के अंदर उसने क्या क्या डिटेल्स मांगी हैं, ये नेम, ईमेल आईडी, और ऑर्डर जो है वो आपका एक रजिस्टर्ड कस्टमर भी कर सकता है और अनरजिस्टर्ड कस्टमर भी कर सकता है। तो एक जर्नल आपको टेबल बनाना है ऑर्डर का। तो आप यहाँ पे क्रिएट टेबल पे क्लिक करें, ऑर्डर लिखें, ऑर्डर्स, और उसके बाद आपने ऑर्डर आईडी का एक यहाँ पे कॉलम बना दिया, प्राइमरी की आइडेंटिटी लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आके आपने कहा भाई अब ये ऑर्डर जो है वो किसके हवाले से, तो भाई कस्टमर का यहाँ पे नेम आ जाए या कस्टमर की आप आईडी। अब यहाँ पे अगर वो रजिस्टर्ड कस्टमर है तो उसकी आईडी आ जाएगी, और अगर वो रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं है तो उसके यहाँ पे आप क्या कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे उसका आप नेम कॉल करेंगे। तो दोनों आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आपको दोनों वो ऑप्शन दे रहा है। तो आप यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं या नहीं, क्योंकि उसने दोनों टाइप्स की इन्फॉर्मेशन रखी है। तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी भी कॉल करवा सकते हैं और आप यहाँ पे कस्टमर नेम भी कॉल करवा सकते हैं। कस्टमर नेम कॉल करेंगे तो वो तो वारचार से ही आएगा 50, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं नॉट नल। पर कस्टमर आईडी जो है वो तो भाई फॉरेन की होगी। अब अगर एक कस्टमर हमारा है ही नहीं तो फिर यहाँ से वो कस्टमर आईडी आएगी कैसे? तो कस्टमर आईडी को हम यहाँ पे नल अलाउ कर देंगे। क्या अलाउ कर देंगे? नल अलाउ कर देंगे कि अगर वो कस्टमर आईडी दे देता है फॉरेन की में तो ठीक है, नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर आईडी यानी उसकी कोई आईडी है नहीं। वो हमारे पास कौन सा कस्टमर है? वो हमारे पास ये वाला कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर। तो फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर नेम से उसकी डिटेल से निकालेंगे। तो यहां पर मैं फॉरेन की बना देता हूं, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से लाइन, और इसके बाद यहां पर आके नॉट नल हो गया, कस्टमर का नेम हो गया, उसकी ईमेल, ईमेल मैंने यहां पे स्टोर कर ली, इसको कर देते हैं नॉट नल। इसके अलावा
ईमेल के अलावा हमें क्या स्टोर करना है, कॉन्टेक्ट और एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कॉन्टेक्ट एड्रेस, और यहाँ पर लास्ट में मैं यहाँ पर देता हूँ प्राइस। प्राइस मैंने यहाँ पर लेनी है इंटीजर में, तो मैं यहाँ पर दूंगा उसको इंटीजर। और इसके अलावा यहाँ पर बुक आईडी, कौन सी बुक वो परचेज कर रहा है, ठीक है, यानी बुक परचेज कर रहा है ना, तो वो कौन सी बुक परचेज कर रहा है उसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा बुक की आईडी आ गई, प्राइस आ गई, और क्या चीज़ रह गई इसके अंदर, ऑर्डर की डेट, ठीक है, यानी ऑर्डर डेट, किस डेट पे वो ऑर्डर हुआ है, तो यहाँ पर उसकी डेट स्टोर करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ नॉट नल। और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटस, क्योंकि उसने कहा है कि भाई हम इसका स्टेटस बताएंगे कि भाई वो जो है आपके पास प्रोसेस हो गया है, शिफ्ट हो गया है, या वो कैंसिल्ड हो गया है। तो यहाँ पर स्टेटस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब क्योंकि स्टेटस के मोड ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम स्टेटस के लिए इंटीजर को यूज़ कर लेंगे या स्मॉल इंट को। और डिफ़ॉल्ट में मैं यहाँ पर इसमें भी वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट में मैं यूज़ कर लेता हूँ 1 या 0 यूज़ कर लेते हैं, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्टेटस है ना वो एक्टिव उसमें जाएगा प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारा जो है ना पूरा टेबल हो गया। अब इसके अंदर बस एक फॉरेन की हमें लगानी है, तो मैं यहाँ से एक और फॉरेन की ऐड करवाता हूँ, फॉरेन की, और हमारे बुक्स का टेबल है, और इसमें हम ये आईडी कॉल कर ली, और यहाँ पर आके मैं दे देता हूँ रेफरेंसेस। सो ये हमारे पास यहाँ पर सारे टेबल्स बन चुके हैं जो रिलेटेड टू दिस आपके पास हो सकते हैं प्रोजेक्ट के। तो हम यहाँ पे वन बाय वन करके एक एक टेबल क्रिएट करते चले आते हैं। तो टेबल हमारा यूजर्स का बन गया, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमने रेसिपी का टेबल क्रिएट किया, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है हमारे पास। सिमिलरली हम रेसिपी का टेबल जनरेट करते हैं, नो एरर। यहाँ पे यूज़र रेसिपी का टेबल क्रिएट कर लिया, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हम यहाँ पे बुक्स का टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारा बुक्स का टेबल बन गया। उसके बाद हमारा कस्टमर का टेबल, कस्टमर के टेबल के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन का टेबल, और यहाँ पर आके लास्ट में हमारा ऑर्डर का टेबल। तो इस ऑर्डर के टेबल को भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी डेटाबेस यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। हम यहाँ पे जाते हैं डेटाबेस के सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर आके हम देखें तो हमने एक दफ़ा इसको मैं रिफ्रेश करवाता हूँ ताकि ये वाली डेटाबेस यहाँ पर शो हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखो पाक आइसक्रीम के नाम से डेटाबेस आ रही है, और इसके अंदर हमारे ये सारे टेबल्स बनकर आ चुके हैं। तो ये हमारे सारे टेबल्स यहाँ पर बनकर आ चुके हैं, और ये हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट आ चुकी है। ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको बना रहे हो तो आप भी इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकोगे।